अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, आप सुनाइए। बस मैं तो बढ़िया हूँ। क्या अकबर भाई, इस बड़े टाइम बाद? अरे क्या करे बाबर भाई, इतनी बड़ी सल्तनत संभालनी पड़ती है। बट हाँ, काफी टाइम हो गया तब से। तो चलिए आज थोड़ा बहस का आगाज करते हैं। क्या क्या मुद्दा क्या है आज? मुद्दा तो आज मतलब आपको तो बहुत टाइम से पता है कि कश्मीर का मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो पहले तो डेवलपमेंट की बात हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ बनाने की बात हो रही थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे कश्मीर में 370 के बाद। बट आजकल जो हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हैं जनरल रावत साहब, उन्हें कुछ अजीब सी बहस छेड़ दी है। उनकी स्टेटमेंट समझ के लगता है कि वो तो कुछ मतलब मोदी जी से कुछ अलग ही सोचते हैं वो। रावत साहब तो आजकल डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं कंफ्यूज आ गया यार, ये डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स होता क्या? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है उन्होंने, बड़ा इस पे सोचने की थोड़ी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डीरेडिकलाइजेशन होती क्या है या रेडिकलाइजेशन होती क्या है। तो रेडिकलाइजेशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर कोई इंसान किसी पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर बड़े एक्सट्रीम व्यूज़ रखता है। एक्सट्रीम व्यूज़ का मतलब है कि उन व्यूज़ के लिए वो वॉयलेंस भी हो जाए, वो वॉयलेंट भी हो जाए वो बंदा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो रेडिकलाइज्ड है। और सिंपली डीरेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि उस एक्सट्रीम व्यू से, उस वॉयलेंट व्यू से लेके उसको हम नॉन वॉयलेंट व्यू पे ले आएँ या कुछ मॉडरेट व्यू पे ले आएँ, तो उसे हम डीरेडिकलाइजेशन बोलेंगे। तो भाई सुनने में तो बढ़िया अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो। हाँ, ये बात तो सुनने में अच्छी लग रही है कि अगर सोसाइटी में कुछ इवल है, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो उसको, उस इंसान को, उस बंदे को एक सही राह पे लाना, ये तो कुछ गलत नहीं है, ये तो अच्छा है। मगर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि रावत साहब बात कर रहे हैं 10 से 12 साल के बच्चों की, मतलब जो मुश्किल से लगी या तो 5, 5th या 6th क्लास का कोई बच्चा होगा, तो वो उनकी बात करें कि हमें उन्हें डीरेडिकलाइजेशन करनी है, उनकी डीरेडिकलाइजेशन करनी है। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने। तो क्योंकि जब भी डीरेडिकलाइजेशन किसी की होगी तो पहले हमें देखना है कि वो कौन बंदा है जो रेडिकलाइज्ड है। तो 10-12 साल के बच्चे मतलब वो कैसे रेडिकलाइज हो सकते हैं? तो या तो उनके घर पे उनको, जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको सिखाते हैं कि वायलेंस करो, या तो वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाते होंगे कि तुम वायलेंट रहो, या तो आपस में स्टूडेंट्स हैं, या तो वो एक दूसरे को ही सिखाते हैं कि भाई हम वायलेंट बनते हैं, हम कोई एक्सट्रीम व्यू रखते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आया, ये क्या क्या मसला क्या है ये? नहीं, हाँ, और अगर हम रावत साहब की पिछली स्टेटमेंट्स देखें, पिछले साल की स्टेटमेंट्स, तो उनने तो ये तक बात कही थी कि मस्जिदों में, मदरसों में, और यहाँ तक कि स्कूल्स में भी, कि वहाँ पे बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं। मतलब गोइंग बाय दियर लॉजिक, रावत जी जो बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ कश्मीर की बात करूँ, तो वो बोल रहे हैं लाइक टू पुट 8 to 9 million पीपल इन डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स। ऐसा ही द सेम मॉडल तो चाइना ने भी इनकॉर्पोरेट किया था, किया है यूरोगाय में, वेयर जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तक आई है कि देयर आर अराउंड 1 million पीपल विच हैव बीन डिटेन इन दोज कैंप्स, एंड द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस विच आर बीन कमिटेड इन दोज कैंप्स, एंड चाइना इज कॉलिंग दोज कैंप्स एज कोट एंड कोट री एजुकेशन कैंप्स। हाँ, तो अगर आपको कैंप्स बनाने ही हैं तो स्पोर्ट्स के ऊपर कैंप्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप कैंप्स बनाइए, ठीक है, डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर कैंप्स बनाइए, और बात इन चीज़ों पे की जाए कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, वो कैसे सुधारें, हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। हाँ, तो ये 370 पर हटाया क्यों? उस पर तो बोला था कि डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ पे जो बेरोजगारी है वहाँ पे रोजगार मिलेगा लोगों को। आजकल तो उस पर कुछ बात ही नहीं हो रही है, आज तो कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा है, डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स। अगर ये डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स बनाने ही थे, ये तो जब 370 था तब भी बना सकते थे। और आप ये भी बोल रहे हो कि पाकिस्तान में भी डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स है, तो हमें यहाँ पे भी वही बनवाने चाहिए। एक तरफ से तो आप उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और दूसरी तरफ से वही पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हो।
ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापंथी क्यों हो रही है? क्या है ना बाबर भाई, मुझे लगता है रावत जी ना बचपन से कैंप स्वैम्प्स में रहे हुए हैं, तो इनको बड़ा पसंद आ गया वो माहौल। तो मेरे हिसाब से मैं इनको एक सजेस्ट करूँगा कि आप अब एक रिटायरमेंट कैंप बना लीजिए कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे, और देख लीजिए अपनी तरह जो आपके वो बख्शी वख्शी साहब जो भी जनरल हैं उनके साथ वहाँ बैठ के आप अपना रिटायरमेंट होम बना के आराम से ज़िंदगी जिए, आप खुद भी चिल कीजिए और हमें भी चिल करने दीजिए। और ऐसी बातें करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, तो बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करें, थोड़ा पॉजिटिव बातें किया करें कभी कभी। और अगर भगवान ने थोड़ा दी हो तो उसका उपयोग करो, क्या दियो? बुद्धि बुद्धि। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर।